इन्फेक्शन हो गया है पूरे पेट में, पानी तक वो नहीं पी सकती है, बस सेलाइन चल रहा है, उसके बाद ही फिर ऑपरेशन का डेट फिक्स करेंगे। ये कैसे हो गया इसी कोने में? अरे ये ब्लड बहुत आ रहा है देखो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरा फिर से न्यू ब्लॉग में। आज सुबह 10:30 हो रहे हैं अभी और मैंने ना नाश्ता किया ना मैंने नहाया, कल से मैं इतना परेशान हूँ, आप देख रही हो मेरी हालत भी। देखो हॉस्पिटल के सामने ही छूँ मैं, ये देखो मार्क हॉस्पिटल है, दिख रहा होगा आपको। तो मैं अभी घर जाऊँगी और घर काम करके मैं आऊँगी। अभी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, कितने दिन रहेगी पता नहीं है, रिपोर्ट सब आ चुके हैं तो मैं आपको सब बताऊँगी क्या है कैसे। गाइस तो हम निकलते हैं यहाँ से। सपोर्ट मिला है, बहुत प्यार मिला, मेरे अच्छे व्यूज गए हैं, लोग मुझे अच्छे से कमेंट्स किए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गाइस आप लोग प्रिय, तो घर में कुछ भी नहीं है तो मैं थोड़ा सब्जी ले लूंगी चौक से, मैं चौक आ चुकी हूँ, थोड़ा सब्जी लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना वाना बनाने की तैयारी करती हूँ। आंटी परवल कैसे? आधा किलो दे दीजिए ना। मैं घर जा रही थी तो बेटा बोला कि मम्मी कुछ है नहीं तो बनाओगे क्या? कल भी मेरा जल्दी जल्दी घर जाई हूँ और दाल उबला दाल बनाई थी और आलू का चोखा बनाई थी, तो मैंने कुछ सब्जी ले लेती हूँ उसके बाद बनाती हूँ। डॉक्टर ने आना तो सब मना किया है कुछ भी नहीं देने के लिए, यहाँ तक कि वो पानी भी नहीं पी सकती है, उसको इन्फेक्शन है तो 2 दिन तक अभी वो ना कुछ खा सकती ना पी सकती है। जो भी है मल्टीविटामिन ड्रिप उसको चढ़ा हुआ है तो उसी के सहारे वो है। अगर उसको गॉल रिपोर्ट में पता चल गया है गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इन्फेक्शन है, पेट में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ठीक होता है तो उसको छुट्टी मिलेगा और उसके बाद फिर डॉक्टर बताएंगे कि उसका ऑपरेशन का तैयारी कब करना है। तो अभी तो यार वो 2 दिन हॉस्पिटल में रहेगी। वो गाड़ी गिरा एक्सीडेंट के बाद तो पेट में गिरने की वजह से वो ज़्यादा प्रॉब्लम देने लगा और उसका तबीयत उसी दिन से ज़्यादा बिगड़ने लगा जिस दिन से हमारा एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं कल उसको आयुर्वेदिक दवाई खिलाऊंगी सोच के, मतलब मैं बताइए ना आपको, कहीं जा रही मैं मस्तूरी जा रही थी तो आपने तो देखा ही है कि मैं निकली कुछ और काम से और एडमिशन में को वहाँ कराना पड़ गया हॉस्पिटल में। तो मैंने देखो सब्जी कुछ ले लिया है तो मैं जाऊंगी और मैं थोड़ा घर में खाना बनाती हूँ, थोड़ा सा नहाती हूँ, कल से मैं नहाई नहीं है, सुबह हो चुका है लेकिन मार्केट अभी खुला नहीं है, देखिए पूरा ये चौक का है। तो ठीक है निकलती हूँ। आंटी हो गया ना, पन्नी दे दीजिए ना। गाइस तो मैं घर आ चुकी हूँ और सबसे पहले मैं नहाऊंगी, पर कॉलोनी इतना सुना सुना लग रहा है मैं बता नहीं सकती आपको, है ना। ये देखो यहाँ पे काम भी चल रहा है, बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है। ये देखिए वहाँ भी पुट्टी हो गया है, सुंदर लग रहा है देखने में। तो मैं अभी सबसे पहले जा रही हूँ नहाने के लिए कि मुझे बहुत गंदा लग रहा है और नहाने के बाद ही मैं खाना बनाऊँगी, इसी में मुझे काम निपटाना है और मुझे जल्दी जाना भी है। और देखो यहाँ भी काम चल रहा है तो मैं गेट थोड़ा सा लगा देती हूँ, काम चल रहा है बोल के गेट खुला है लगता ना, तो गेट को मैंने बंद करने बोला था। तो गाइस मैं जल्दी आई हूँ, सबसे पहले मैं नहाई हूँ, कपड़े धोई हूँ, बर्तन जो रात के थे वो धोई, फिर मैंने खाना बनाया जल्दी जल्दी। देखो मैं खाना खाती हूँ, कल से मैं कुछ भी नहीं खाई रात में, बस थोड़ा सा सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है मैंने, तो मैं खा के मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मेरा काम हो गया है, खाना भी मैंने बना लिया है, उसके बाद अब मैं हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहती, कल से बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है लेकिन किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया, बस गिने चुने मेरी एक फ्रेंड है नीतू सिंह बोल के उसने फ़ोन किया है और मेरी एक सिस्टर है अंबिकापुर वाली उसने मुझे फ़ोन किया और अंजू दीदी ने फ़ोन किया, बाकी मुझे कोई भी फ़ोन करके नहीं पूछा। मैं अपनी फ्रेंड को, एक फ्रेंड को बोली थी तू आना 2 घंटे के लिए रुकना मेरे को थोड़ा घर जाना, तो वो भी मैंने बात को ना काट दी, लेकिन बस मेरी मम्मी है जो मेरा हेल्प किया और कल वो हॉस्पिटल में आए थे, आज भी मम्मी है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ आई हूँ, घर का काम वाम करी हूँ, किसी ने ना फ़ोन में मुझसे पूछा और ना ही कोई हमसे मिलने के लिए आया। कल का ब्लॉग आप मेरा देखे हो क्या? कोई नहीं देखा होगा या मेरे को जो जानते हो क्या मेरा ब्लॉग को नहीं देखे होंगे? जो बताई ना आपको, जो लोग देखे हैं वो तुरंत मुझे मैसेज किए, बात किए मेरे से, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे कभी पूछे भी नहीं कि फ़ोन करके क्या है कैसे, ना वो मिलने के लिए आए। और मेरे हस्बैंड बाहर में रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, वो केरल में रहते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आ जाऊँ क्या, तो मैं बोली आपको आने में ही 3 दिन लग जाएगा, तब तक आप परेशान हो जाओगे और जान तो रहेगा, अगर वो काम नहीं करेंगे तो हमारे घर का लोन का किस्त कहाँ से पटेगा, बेटी का जो इलाज चल रहा है उसके लिए पैसे कौन देगा। तो अभी वो मेरे को अकाउंट में पैसे डाल चुके हैं, कोई मुझे सपोर्ट नहीं किया। गाइस अभी मैं जाऊंगी तो अपनी माँ से भी मिला दूंगी, लेकिन यही है कि हॉस्पिटल में मैं ज्यादा शूट नहीं कर सकती हूँ। हेलो सेकेंड, मेरे हस्बैंड का फोन आया, मैं बात कर लेती। हेलो, तैयार हो गई हूँ, बस निकल रहा वाली हूँ, खाना बना ली, घर का काम वाम करके देखो बस निकल ही रही थी। आप
तो गाइस मेरे मिस्टर का फोन आया था, वो पूछ रहे थे कि अकाउंट में पैसा आया कि नहीं। मैं बोली हाँ आ गया है, तो वो अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिए हैं। तो उसको गॉल ब्लैडर में स्टोन है और उसको मतलब सूजन आ गया है लीवर में, और वो जो लिक्विड होता है वो भर चुका है, तो इन्फेक्शन हो गया है पूरे पेट में। तो जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा है कि तुम मतलब पानी तक वो नहीं पी सकती है, बस सेलाइन चल रहा है और मल्टीविटामिन जो भी है एंटीबायोटिक उसको दिया जा रहा है कि स्वेलिंग ठीक हो। अगर ये सब ठीक हो जाता वो 3 से 4 दिन अभी हॉस्पिटल में रहेगी, उसके बाद फिर डॉक्टर लोग उसको घर के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद ही फिर ऑपरेशन का डेट फिक्स करेंगे कि इसको ऑपरेशन कब करना है। किसी ने सपोर्ट नहीं किया, फैमिली सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है क्या। अरे जो भी होता है आपसी परिवार में जो भी होता है, लेकिन संकट के घड़ी में एटलीस्ट फोन भी करना चाहिए। अभी तक कोई हॉस्पिटल भी नहीं आया देखने के लिए। मेरे दामाद जी है, वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा पॉलिसी है, तो हम लोग पॉलिसी क्लेम किए तो हमें मतलब प्राइवेट रूम मिला था, तो आप तो देखे होंगे इतना लग्जरी रूम था। हमारा जो पॉलिसी क्लेम हम जो किए थे उससे हमारा इलाज नहीं हो रहा है, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन से जितने भी रिलेटिव रहते हैं कोई भी चीज़, तो वो 2 साल तक जब तक पॉलिसी लेके नहीं होता तब तक उसमें इलाज नहीं होता है। तो हमारा 2 साल अभी हुआ नहीं है पॉलिसी लेके, तो और स्टोन का बात है तो उससे इलाज नहीं हो, हम लोगों ने फिर जनरल में शिफ्ट कर दिया। वैसे जनरल भी बहुत साफ सुथरा है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, मार्क हॉस्पिटल। मैं आपको थोड़ा सा वीडियो वहाँ का भी बना के दिखाऊंगी। रूम हमें मिला था तो आपने देखा होगा कि मैंने कल वीडियो बनाया था, तो हम वहाँ पे 10 घंटा जैसे थे, बाद में फिर मैंने चेंज कर लिया क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। ना कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं, लेकिन आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हो, जो ब्लॉग देखते हैं, मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि कभी भी आपके फैमिली में ऐसा कुछ भी होता है तो आप लोग एटलीस्ट ऐसा मत कीजिएगा कि कम से कम सुख में नहीं दुख में आप लोग जाइएगा, है ना। इससे अच्छा लगता है, अपनापन लगता है, और जान तो रहे हो जब जब किसी के साथ ऐसा होता है तो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मेरे साथ हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप हमेशा मेरा ब्लॉग देखते होंगे, तो मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, घर में रहती हूँ, हंसते खेलते रहती हूँ। तो जानती हूँ कि बहुत लोग का कमेंट्स आया है कि बेटा जिस ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बच्ची तो सभी की बच्ची होती है, सभी के सब जो भी माँ है, पिता है, जो भी है, भाई बहन है, तो सभी लोग को मैं यही बोलना चाहूँगी, तो बच्चे तो सभी के सामान्य होते हैं, पर ऐसा कभी किसी के साथ ना हो जैसा आज मेरी बेटी के साथ हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन बहुत लोग है मुझे हेल्प करने वाले, लेकिन सब बाहरी, अपना कोई नहीं किया है। तो गाइस योगेश भैया भी बहुत सहयोग किए हैं, हालांकि वो मेरे दूर के रिश्तेदार तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं धर्म के भाई है, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। और मैं क्या बोलूँ, मैं बाद में बताऊँगी उन्होंने क्या हेल्प किया क्या नहीं। तो मैं अभी मुझे लेट हो रहा है तो मैं अब निकलती हूँ, क्योंकि मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है। तो गाइस मैं निकलती हूँ अब, मेरे को जो बोलना था मैंने आपको सब बता दिया है। तो अब मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ, अब मैं जो भी है हॉस्पिटल में थोड़ा शूट करूँगी। तो गाइस हम हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, अभी हम लिफ्ट में हैं, अब जाते हैं, बहुत लेट हो चुका है। हाथ में स्वेलिंग आ रहा था, अरे ब्लड बहुत आ रहा है देखो। तो गाइस देखो हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग था, तो इसलिए पैर में लगाना पड़ा। ये देखो ये है जनरल वार्ड, बहुत साफ सुथरा है जनरल वार्ड भी, बहुत अच्छा है। तो गाइस आपने देखा जैसे मैं हॉस्पिटल आई तो बेटी का जो था जेल को उसको चेंज किए, पैर में लगाया है, और अभी मेडिसिन है, देखो मेडिसिन का बिल आ गया है 700 का। सिंह अभी 700 का आ गया, मम्मी ने लेके रखा था, तो मैं बिल पटाने जा रही हूँ, उसको पैक करती हूँ, और नीतू दीदी अभी आ रहे हैं मिलने के लिए। मैम इसको पैक करती हूँ, चलो मैं दवाई का पैक कर मम्मी आने तक यहाँ के जितने भी स्टाफ है सिस्टम है बहुत कॉपरेट करते हैं, और मैं कल रात से नहीं सोई क्योंकि जब भी रात होता है तो इसको प्रॉब्लम चालू होता है। और बताओ जो बेटी 2 दिन से बच्ची कुछ नहीं खाए तो मुझे क्या भूख लगेगा, तो मुझे भी मन नहीं करता खाने के लिए। तो अभी दीदी लोग आ रहे तो उन्होंने बोले हम रोटी सब्जी ला दें, वो ला दीजिए, लेकिन मैं डब्बे वब्बे लेके नहीं आई हूँ। इससे
पानी भी पिलाना मना है और खाना तो मना है, कोई भी चीज़ नहीं, पानी तक पिलाना मना है। फिर भी मैं डॉक्टर बोले कि अगर प्यास लगेगा बोलने से थोड़ा सा आप पानी दे सकते, मैं इतना ही पानी दूंगी, देखिए ज़्यादा नहीं। एक चप्पन पिलाई हो तो ये भी पिलाना उसको मना है, बस लेकिन बोले कि थोड़ा सा मुँह गीला कर सकते हैं क्योंकि उसको एसिड बहुत ज़्यादा हो जा रहा है अंदर में, एसिड हो गया। दीदी लोग मुझसे मिलने आए हैं तो वही मैं नीचे आ गई हूँ, उनको मतलब एड्रेस पता नहीं था तो मैं उनको दिखाने के लिए आ गई हूँ नीचे, भी वो आते ही छोंगे क्योंकि बेटी को डॉक्टर ने मना किया कुछ भी खाने पीने से, तो आज दूसरा दिन है वो कुछ खा पी नहीं रही है, तो उसको देख के ना मुझे भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है कि बच्ची नहीं खा रही तो मैं क्या खाऊंगी। लोग आए थे वो लोग चले गए हैं और मेरे रोटी सब्जी ला के दे दिए, खाने का मन तो नहीं कर रहा है क्योंकि बच्ची भी कुछ नहीं खा रही है, जो भी उसको ग्लूकोज डाइट सब उसी में से चल रहे हैं, तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है कि जितना मुझसे हुआ मैं उतना शूट करी हूँ और जो भी होगा मैं कल आपको दिखाऊंगी। अगर किसी दिन नहीं बना पाई तो समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा एमरजेंसी था तभी नहीं बना, जब तक मैं हॉस्पिटल में बनाऊंगी जब तक मेरे से बनेगा मैं शूट करूंगी और मैं जो भी होगा मैं आपको बताते जाऊंगी। मैं तो इसी के साथ ना मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करना चाहूँगी और आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे लिए दुआ प्रार्थना कीजिए कि मेरी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो अपने घर चले जाए। और अब मैं क्या बोलूँ आपसे, तो ठीक है गाइस, मिलते हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।